नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल से दिल की बातें के एक खूबसूरत एपिसोड में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये नया साल हम सभी के लिए बहुत शुभ हो। तो साल का पहला महीना जनवरी, गुलाबी ठंड, भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। इंडिया में ठंड आती है कितनी है, जस्ट फॉर अ मंथ, तो पूरे मजे उठाओ ना इस लवली लवली वेदर के। वेल, जनवरी आते ही मेरे दिमाग में एक ऐसे महान शख्स का नाम आया जिनकी बातें और जिनकी स्टोरीज मुझे हमेशा से इंस्पायर करती आई हैं। और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मेरी बर्थडे डेट वही है जो इस महान इंसान की है, और वो इंसान है स्वामी विवेकानंद। तो चलिए नए साल की शुरुआत करते हैं इस महान शख्सियत की कुछ इंस्पायरिंग बातें जानकर। तो स्वामी विवेकानंद जी का पहले नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता, और उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। और उस दिन हर साल 1984 से नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। वो एक ऐसे प्रभावशाली सन्यासी थे जिन्होंने युवा पीढ़ी को बहुत सी बातें और नॉलेज उपहार में दी, और उनका सबसे बड़ा गिफ्ट था खुद पर विश्वास करना सीखना। उन्होंने ब्रदरहुड और ह्यूमैनिटी का ऐसा संदेश पूरे विश्व को दिया जो कि पूरे संसार की ग्लोबल इंटीग्रिटी के लिए बहुत जरूरी था। तो पहली घटना जो मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, ये उस टाइम की है जब वो शिकागो में रहते थे। तो वो एक लाइब्रेरी से हर रोज बहुत सारी बुक्स लेकर आते और अगले ही दिन लाइब्रेरियन को वापस लौटा देते थे। तो एक दिन लाइब्रेरियन बड़ी फ्रस्ट्रेट होकर उन्हें बोली कि अगर तुम्हें किताबें पढ़नी ही नहीं होती तो एक साथ इतनी सारी बोरो करके क्यों ले जाते हो। तो इस बात पर विवेकानंद जी बड़े ही सरलता से बोले कि मैं तो किताबें पढ़ने के बाद ही लौट आता हूँ। अब लाइब्रेरियन को और गुस्सा चढ़ गया कि भाई अगला बंदा झूठ भी बोल रहा है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। उन्होंने एक रैंडम पेज खोलकर उनसे पूछा कि बताओ उस पेज पर क्या लिखा है। और स्वामी जी ने बिना उस पेज की तरफ, उस किताब की तरफ देखे हुए वो पूरी लाइंस वैसे ही दोहरा दी जैसे लिखी हुई थी। उसके बाद लाइब्रेरियन ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे अलग अलग बुक्स में से, और उन्होंने बिना किसी मिस्टेक के सारे जवाब दे दिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मेमोरी कितनी शार्प थी। दूसरी बहुत ही खूबसूरत घटना, स्वामी जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद स्वामी जी ने उन सभी युवकों को जो इधर उधर यात्रा कर रहे थे, राष्ट्र निर्माण और देश का चेहरा बदलने में लगे थे, उन सभी को बुलाया। तो उन्हें तभी किसी ने सुझाव दिया कि अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन चल रही है, वहां जाएं, यहाँ उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। एक युवक इधर उधर भाग रहा है, बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश कर रहा है जो शास्त्रों में भी नहीं लिखी है, तो उनकी बात कौन सुनना चाहेगा। लेकिन अगर वो वहां जाकर सबको थोड़ा सा भी हिला पाएंगे तो यहाँ भी उनकी बात पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो स्वामी जी अपने गुरु का संदेश लेकर जब अमेरिका जाने वाले थे तो उससे पहले अपने गुरु की पत्नी माता शारदा का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे। उस समय माँ शारदा अपने घर में खाना बना रही थी और कोई धुन गुनगुना रही थी। पहले जमाने में प्यार से खाना बनाना, परोसना एक बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो पहले की औरतें जब भी कुछ खाना बनाती थी तो साथ में गाती, गुनगुनाती, मुस्कुराती रहती थी जिससे कि सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस खाने में जाए। तो स्वामी जी ने माँ शारदा से कहा कि वो गुरु का संदेश पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहिए। माँ शारदा कुछ नहीं बोली, अपना काम करती रही, धुन गुनगुनाती रही। एकदम से उन्होंने कहा कि नरेन, वो जो चाकू पड़ा है ना, वो उठाकर दे दो। स्वामी जी ने वो चाकू उठाकर माँ शारदा को दे दिया। उसके बाद माँ ने कहा कि बेटा तुम जा सकते हो अमेरिका, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। स्वामी जी ने कहा कि आपने मेरी कोई परीक्षा तो ली नहीं। इस पर माता शारदा मुस्कुराते हुए बोली कि बेटा जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो तुमने जो नुकीली धार वाला हिस्सा था वो अपनी तरफ रखा और जो लकड़ी का हत्था था वो मुझे पकड़ा दिया। ये बताता है, ये साबित करता है कि तुम्हें दूसरों की परवाह है। कंपैशनेट होना और दूसरों की केयर करना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये लॉ ऑफ नेचर है। आप जितने सेल्फलेस होंगे नेचर आपको उतना ही लौटाएगा। और ऐसा ही कुछ स्वामी जी ने भी किया। और अब अगली मजेदार घटना जो कि स्वामी जी की बुद्धि और विटनेस को दर्शाती है।
स्वामी जी एक बार एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी रिस्ट वॉच पहनी थी, जिस पर की कुछ लड़कियों की नजर पड़ गई जो कि उस ट्रेन में ही यात्रा कर रही थी। वो लड़कियां स्वामी जी के कपड़ों और उनके अपीयरेंस का मजाक भी उड़ा रही थी। तो तभी उन लड़कियों ने स्वामी जी के साथ एक प्रैंक खेला। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि ये घड़ी हमें दे दो, नहीं तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे कि तुम हमें परेशान कर रहे हो। इस बात पर स्वामी जी कुछ नहीं बोले और उन्होंने बहरे होने का नाटक किया। उसके बाद वो इशारे से उन लड़कियों से बोले कि उन्होंने जो भी कहना है एक पेपर पर लिख कर दे दे। लड़कियों ने ये बात पेपर पर लिख कर दे दी। जानते हैं उसके बाद में स्वामी जी ने क्या करा? उन्होंने पुलिस से कंप्लेन कर दी कि ये लड़कियां उन्हें परेशान कर रही हैं और उनके पास उनके खिलाफ एक लिखित सबूत भी है। एक और बहुत ही इंस्पायरिंग घटना जो कि उनकी पावर ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में बताती है। जब स्वामी जी शिकागो में थे तो एक बार कुछ लड़के एक पुल के पास में खड़े हुए पानी में तैर रहे एग शेल्स पर निशाना मार रहे थे। हर बार कोशिश करते, हर बार फेल हो जाते। स्वामी जी दूर से देख रहे थे, उनके पास गए, उनसे बंदूक ली और 12 बार फायरिंग की और हर बार निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा। तो लड़कों ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। तो स्वामी जी बोले कि जब भी कोई काम करो तो उस पर अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरी कंसंट्रेशन लगा दो। अगर आप शूटिंग कर रहे हो तो आपका दिमाग पूरा निशाने की तरफ होना चाहिए, आप चूक ही नहीं सकते। अगर आप कुछ याद कर रहे हैं लेसन, तो पूरा दिमाग उस लेसन में लगा दो। हमारे देश में तो ऐसे ही सिखाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद दुनिया भर के सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से जीवन छोटा होते हुए भी उसे पूरी तरह से जिया जा सकता है। बताना चाहूंगी कि स्वामी जी 39 ईयर्स की कम एज में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनका उत्साह और दूरदर्शिता दुनिया भर के युवाओं के लिए एक बेंचमार्क है। वो जिस तरह से चीजों को देखते थे वो अपने समय से बहुत आगे था। अपनी फिलोसॉफिकल अप्रोच की वजह से ही वो हिंदू धर्म को भारत की सीमाओं के पार ले गए, जिससे कि दुनिया भर के लोग इस धर्म के बारे में जान सके और इसका पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। वो 19वीं सदी में पैदा हुआ व्यक्ति अपने समय से सदियों आगे था। वो कहते थे कि मुझे 100 सच्चे समर्पित लोग दे दो, मैं देश का चेहरा बदल दूंगा। आई थिंक उस समय पर हमारी देश की आबादी करीब 230 मिलियन थी, लेकिन उन्हें 100 सच्चे समर्पित लोग नहीं मिल पाए। What a tragedy! उनके जैसे इंसान बार बार नहीं आते। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी जबरदस्त दूरदर्शिता से मानव कल्याण के लिए बहुत कुछ किया और आज भी उनके नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। अगर हजारों लोगों ने उनकी जैसी दूरदृष्टि रखी होती तो बहुत सी बेहतर चीजें हो सकती थी। एक गौतम बुद्ध और एक विवेकानंद जैसा विजन होना काफी नहीं है। जब लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास में सही विजन होगा, तभी हमारी सोसाइटी में अच्छी चीजें हो सकती हैं। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और बहुत ही उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल।